हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में ये जो बुक है रियल एनालिसिस, इसमें कुछ डेफिनेशंस करेंगे। पहली डेफिनेशन जो ऊपर दिख रही है वो है समुच्चय का सीमा बिंदु। माना एस इज ए सबसेट ऑफ आर, तब एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है। यदि ए के प्रत्येक समीपे में एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो, अन्य शब्दों में एक वास्तविक संख्या ए समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है। यदि ए के प्रत्येक समीपे में ए के अतिरिक्त एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो, अर्थात देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस व्हेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू ए सच दैट एक्स इज बिलोंग टू नेबरहुड ऑफ ए फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। समुच्चय के सीमा बिंदु को गुच्छ बिंदु या पुंज बिंदु भी कहते हैं। एक नोट इसमें है कि कोई भी अगर फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय, तो उसका कोई भी सीमा बिंदु नहीं होता है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है डिराइव्ड सेट व्युत्पन्न समुच्चय। किसी समुच्चय ए के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ए का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। इसे ए डैश से व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल एक है, किसी परिमित समुच्चय ए के लिए ए डैश इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब परिमित समुच्चय का कोई सीमा बिंदु होता ही नहीं है, इसलिए उसके सीमा बिंदु का समुच्चय रिक्त समुच्चय बन जाएगा। एग्जाम्पल दो, 5 इज इक्वल टू 5। मतलब अगर समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो उसका व्युत्पन्न समुच्चय भी रिक्त समुच्चय ही होगा। एन डैश इज इक्वल टू 5, प्राकृत संख्याओं का के समुच्चय का व्युत्पन्न समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। जेड डैश इक्वल टू 5, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का व्युत्पन्न समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होगा। क्लोज इंटरवल ए बी का डिराइव्ड सेट इज इक्वल टू ए बी। अगर कोई क्लोज इंटरवल है तो उसका डिराइव्ड सेट वो क्लोज इंटरवल ही होता है। आर डैश इज इक्वल टू आर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का व्युत्पन्न समुच्चय खुद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। एग्जाम्पल 5, यदि ए इज इक्वल टू द सेट 1, 1/2, 1/3, 1/n... तो ए डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है इसमें अगर n टेंड टू इन्फिनिटी हो तो इसके लिमिट पॉइंट है वो 1/n, दैट मीन्स 1/8 0 आ जाता है। मतलब सीमा बिंदु 0 है, तो सीमा बिंदु 1 ही हुआ, तो सीमा बिंदुओं का समुच्चय हमारे पास केवल 0 सेट हुआ, सिंगलटन सेट। अगली डेफिनेशन है एक समुच्चय का संवर्क क्लोजर ऑफ ए सेट। किसी समुच्चय ए का उसके व्युत्पन्न समुच्चय ए डैश के सम्मिलन को समुच्चय ए का संवर्क कहते हैं। मतलब खुद सेट ए और उसका डिराइव्ड सेट ए डैश दोनों का यूनियन कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्लोजर ऑफ ए प्राप्त होता है। इसे ए बार से निरूपित करते हैं, अर्थात ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। अगली डेफिनेशन हमारे पास है आइसोलेटेड पॉइंट वियुक्त बिंदु। किसी समुच्चय के वे बिंदु जो उसके सीमा बिंदु नहीं होते वियुक्त समुच्चय कहलाते हैं। मतलब वे बिंदु जो उस सेट के उस समुच्चय के सीमा बिंदु नहीं है उन्हें हम आइसोलेटेड पॉइंट अर्थात वियुक्त समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी फाइनाइट सेट अगर है सीमित समुच्चय तो उसका प्रत्येक बिंदु वियुक्त बिंदु होता है। दूसरा एग्जाम्पल, समुच्चय एन अर्थात प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जेड का प्रत्येक बिंदु और पूर्णांक का समुच्चय जेड का प्रत्येक बिंदु वियुक्त समुच्चय है। थैंक यू।